तो ये जो फैन वैन की क्लीनिंग है, स्विच बोर्ड और ये जो ऊपर ऊपर की सफाई है भैया, वो हमारी जिम्मेदारी पे है। अभी हमें जिम्मा दिया गया उसके, तो हमें करना है। दिवाली वाली है, हम बहुत दिन से टाल रहे हैं कि कल कर दूंगा परसों कर दूंगा, तो आज टाइम निकाला और ये कर रहे हैं। स्विच वे साफ कर दिया और इतने दिन हो गए मुझे, लेकिन मेरा ये ज़ुकाम जो है सही होने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से मौसम चेंज हो रहा है, एक्चुअली मुझे एलर्जी भी रहती है, जब मौसम चेंज होता है तो मुझे ये ज़ुकाम वगैरह होता रहता है, तो ये अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, पता नहीं कब खत्म होगा। ऊपर से धूल धूल का काम कर रहा हूँ तो और ज़्यादा बढ़ रहा है, पर जो भी है कुछ भी काम तो करना है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पीपी ब्लॉग्स। हाँ बेटी, अब बताओ क्या कह रही थी। तो बच्चे आ गए तो ये मस्ती करने लगे हैं, लेकिन काम तो निपटाना है मुझे भी, थोड़ा सा मंदिर का भी काम करना है, तो वो करता हूँ। और ये लाइट्स जो हैं मैं लेकर आया हूँ, डेकोरेटिव लाइट्स हैं ये, इनको लगाने के लिए अपने इस मंदिर पे। तो मैं इधर ऊपर से लगाऊंगा और चारों ओर घुमा के पीछे इधर से होते हुए पूरा लेके जाऊंगा, देखता हूँ क्या कैसा लगता है। अभी लगाता हूँ, पहले ट्राई करता हूँ। हमारा ये काम भी हो गया और अभी तो बहुत सारे कार्यक्रम बाकी हैं, बहुत सारे छोटे मोटे काम करने हैं, पर ये मैंने कर, मुझे इसमें भी थोड़ी सी मतलब ठीक लग रहा है। पर एक तो ब्लिंक नहीं होती है, चलो वो मुझे पता नहीं था, पर ठीक है। पर ये एक मैंने ऐसे करके निकाला है, आप देख सकते हो, और तो वो अलग सा दिख रहा है। और ठीक है, आज रात में मैं देखता हूँ कैसा क्या होता, अगर ठीक लगा तो कर इसको ऐसे रखेंगे, वरना इसमें थोड़ा और एडिशन करेंगे। और ये तार वार जो है पूरा ऐसे ही पड़ा है, इसको भी मुझे सेट करना है। ये मैं थोड़ा एक दो चीज़ें लेके आनी, वो लेके आऊँगा, सेट करूँगा, अभी तो फ़िलहाल तो ऐसे ही छोड़ूंगा। तो फिर भी काफ़ी इतना बेकार नहीं लग रहा, ठीक ठाक लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जो आप ये देख रहे हैं पेंटिंग्स वगैरह जितनी ये यहाँ पर ये लगी हैं, इनको जो है मुझे अभी अरेंज करना है, क्योंकि जब आपको बताया रिनोवेशन हुआ था तो सब सामान इधर उधर हो गया, तो पेंटिंग बस अब ऐसी सब लगी हुई हैं, लेकिन कुछ सब जगह से यहाँ से हट के दूसरी जगह लगनी है। तो भाई इन्हें भी अरेंज करना है भैया, कितने काम है। दिवाली है तो दिवाली में क्या होता है, काम ही होता है, और क्या कर रहे हैं भाई। वो तो फाइनली जो है हमारे काम थोड़े बहुत ख़त्म हो गए, और दिवाली पे आपको मालूम है ढेर सारे काम होते हैं घर पे साफ सफाई के, तो अभी भी बचा हुआ बहुत सारा काम, तो वो भी धीरे धीरे निपटाएंगे। और एक्चुअली कल रात को मैंने सोचा था कि मैं आपसे बात करूंगा, वार्तालाप करूंगा, लेकिन भैया लाइट जो है हमारे कमरे में है नहीं, तो ये डे लाइट में ही करना है, फ़ायदा नहीं, क्योंकि क्या है ना वीडियो कम से कम मेरा वैसे ही एवरेज क्वालिटी आता है इस फ़ोन की वजह से, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ख़राब आती है, पर रात के क्योंकि जो नाइट मोड में ये जो रात के टाइम है इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाता, तो वो थोड़ा सा डल दिखता है, तो वो मुझे नहीं करना है, थोड़ा सा तो दिखने में ठीक ठाक लगना चाहिए। तो मैंने कहा अभी कर लेते हैं, और इसके बाद जो है नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो उससे पहले मैं ये वाला ब्लॉग ख़त्म भी करना है। तो मैंने कहा अरे यार हिला डुला बहुत रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं काम। और जो है अभी भी काम जो है दिवाली के इतने सारे बचे हुए हैं, वो उसमें मेरी गलती है, क्योंकि सबसे मैं मना करता हूँ, अरे मैं कर दूंगा, और मैं करता भी नहीं हूँ, फिर एंड टाइम पे करता हूँ, तो फिर इतना काम खिंचते आता है। तो अभी भी काफ़ी सारे काम जो है बचे हुए हैं, खैर वो तो होते रहेंगे काम। फिलहाल तो कर लेते हैं थोड़ी सी ज़रूरी बात। तो ज़रूरी बात ये है कि देखिए, अब मेरा जो है पिछले ब्लॉग में मैंने बोला था कि 500 सब्सक्राइबर से कुछ ही दूर हैं, जो कि मेरा पहला माइलस्टोन है मेरे हिसाब से, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसमें मेरी हेल्प करें और फटाफट चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। कासगंज वासी हो, उत्तर प्रदेश वासी हो, भारत वासी हो, जो भी देख रहा है इस ब्लॉग को,
तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा पहला माइलस्टोन होने में मदद करें। माइलस्टोन होते ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ तक देखा है तो लाइक भी करें और शेयर भी करो और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कैसा क्या है, क्वालिटी क्या है। क्वालिटी तो मुझे मालूम है ठीक ठाक ही आती है, इससे इतनी अच्छी आती नहीं है। मैं वो भी मुझे बात करनी थी उस बारे में भी, क्यों कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना क्या हुआ था कि मैं चाइनीज़ मेड चीज़ें नहीं लेना चाहता हूँ। पर मैंने सारे लैपटॉप चेक, क्योंकि क्या है अगर मैं कैसी भी क्वालिटी हो, अगर कलर ग्रेडिंग अच्छे से मेरे को अगर इसकी एडिटिंग करनी है, कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है, तो वो लैपटॉप के थ्रू ही और अच्छा सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो पाएगा। फ़ोन से, एंड्रॉयड फ़ोन से हो जाती है, पर उसमें फिर बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो मैं सोच रहा हूँ एक लैपटॉप तो कम से कम पहले लिया जाए, उसके बाद बाकी कैमरे की सोचेंगे। पर मैंने देखे तो जितने भी हैं, इवन HP भी, वो भी मेड इन चाइना। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं कौन सा लैपटॉप लूँ, तो आप मुझे सजेस्ट करना। कोई भी 14 इंच लूँगा अभी तो फ़िलहाल, तो मैं छोटे से स्टार्ट करता हूँ, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाऊँगा। तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट करो कौन सा लूँ। वैसे मेरे हिसाब से एक मी का भी आया हुआ है, पर वो देखिए फिर वही बात है, वो चाइना का, लेकिन HP में भी वो भी वहाँ बन रहा है। तो आप मुझे बताना अंदर 50,000 तक का कोई भी ठीक ठाक हो तो कमेंट करके बताओ कौन सा लैपटॉप लूँ, इंडिया का हो। एक्चुअली मैंने रिव्यू भी चेक करे, इंडिया के जो हैं उनके रिव्यू अच्छे नहीं हैं, बाकी जो है ज़्यादातर मेड इन चाइना है। पर एनीवेज आप जो है कमेंट करके बताना कौन सा लैपटॉप सही रहेगा लेने के लिए, तो वो मैं लूँगा। फ़िलहाल तो क्या है और थोड़े बहुत काम है वो निपटाने हैं मुझे, तो इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और मैं फटाफट जो है अब यहाँ से निकलता हूँ, मैं जाना है मुझे अभी थोड़ा और काम करने, तो इस ब्लॉग में यही करता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ तक देख लिया तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टेक केयर, बाय।